Hi everyone, in Anthropology lecture series for Paper 1, today we'll be discussing topic 9.7 part 1. So let's begin. See, in this 9.7, basically we need to discuss about the ecological anthropology or iske baad aapke kuch biocultural adaptations hai and then the physiological responses. So basically if I have to tell you, aaj ke is lecture mein sabse pehle to hum ecological anthropology ke concepts and methods ko discuss karenge and we'll also touch upon the anthropological theories while studying the ecological anthropology. Those who don't know how will get to know in a while, don't worry about that. Then hum biocultural adaptation ke baare mein padhenge, jiske andar aapko genetic और नॉन जेनेटिक फैक्टर्स में डिवीजन करने के बाद जानना है. सो बेसिकली दिस पार्ट, दिस बायोकल्चरल एडाप्टेशन इज बीइंग यूटिलाइज्ड व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज. यानी कि आज के इस लेक्चर में तो हम बायोकल्चरल एडाप्टेशंस और वो क्या होते हैं, अडैप्टेबिलिटीज क्या होती है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनका एप्लीकेशन पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे. आई होप दैट्स क्लियर एज ऑफ नाउ. और कुछ वैल्यू एडिशंस हम देखेंगे इसके अंदर, लाइक इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी. ऑल्दो समटाइम्स यू माइट सी दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट इन दोनों के बीच में क्या स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट अलोंग विद सम एप्लीकेशंस ऑफ द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. कि इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं. एंड अनदर कंसेप्ट दैट वी विल स्टडी इज द बायोकल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, बिकॉज हमें बायोकल्चरल एडाप्टेशंस पढ़ना ही है. सो लेट्स यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट द बायोकल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एज वेल. एंड देन एट द एंड जो आपके बायोकल्चरल एडाप्टेशंस हैं जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक फैक्टर्स में, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर आई बिगिन, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू 9.6 लेक्चर में देर इज़ सम टेक्निकल इशूज बिकॉज ऑफ विच इट्स नॉट बींग अपलोडेड. सो आई एल ट्राई एंड फिक्स दैट और आई एल अपलोड. सो टिल देन आप ये 9.7 से शुरू कर सकते हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर यू कैन सी देर आर हंटर्स एंड गैदरर्स और फार्मर्स. और आई नीड नॉट टू टेल यू कि हंटर और गैदरर्स और फार्मर्स के जो लाइफ है, उनकी लाइफ स्टाइल है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है. वी ऑल नो एंड वी ऑल अंडरस्टैंड जो हंटर एंड गैदरर्स होते हैं, मोस्टली दे लीड सम काइंड्स ऑफ एन नोमैडिक लाइफ स्टाइल, राइट. दे डोंट स्टे एट अ सर्टन प्लेस, दे कीप ऑन रोमिंग अराउंड. और उनके लिए कुछ फिक्स चीज़ें नहीं होती है, दैट दे आर गोइंग टू ईट एंड हाउ दे आर गोइंग टू ईट, वेयर दे आर गोना स्लीप. उसी तरह से जो फार्मर कम्युनिटी की जब आप बात करें, बिकॉज सिंस दे आर डूइंग फार्मिंग, तो दे नीड टू बी एट वन प्लेस जहाँ पे वो फार्मिंग एक्टिविटीज कर सके. एंड इवेंचुअली विद टाइम दे ऑल्सो गेट सम लाइक यू नो एनिमल्स, जैसे कि शेप्स, काउज, बफेलोज, ये सारी चीज़ें. यानी कि एक बहुत अच्छा खासा डिफरेंस आपको इन दोनों के लाइफ स्टाइल में देखने को मिलेगा. देन वाई आई एम गोइंग टू टेल यू दिस, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. बिकॉज इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी अगर आप देखें तो इट मूव्स अराउंड दिस कंसेप्ट ओनली. वॉट इज दैट कंसेप्ट? द कंसेप्ट इज कल्चर एंड एनवायरमेंट और इकोसिस्टम, जो भी आप बोल सकते हैं. यानी कि कल्चर का आपके इकोसिस्टम के साथ किस टाइप की इंटरलिंकेजेस होती हैं और किस टाइप के इंटरैक्शंस होते हैं, उसी को हम स्टडी करते हैं इन द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. दैट यू कैन सी इन द डेफिनेशन और यू कैन से द कंसेप्ट इटसेल्फ, दैट इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ कल्चर इन ह्यूमैनिटीज इंटरैक्शन विद द इकोसिस्टम. एंड दिस इज द एग्जाम्पल दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. अगर आप ह्यूमन में हंटर एंड गैदरर्स की बात करेंगे तो उनकी जो नोमैडिक लाइफ स्टाइल्स होती है, उनकी वजह से जो एनवायरमेंट के साथ उनका इंटरैक्शन होगा और जो एनवायरमेंट में चेंज आएगा, दैट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट अ फार्मिंग पॉपुलेशन और अ फार्मिंग कम्युनिटी विल डू, राइट. बिकॉज फार्मिंग कम्युनिटी कल्टिवेशन करेगी, वो फार्मिंग करेगी, वहाँ पे एनिमल और लाइफ स्टॉक रेजिंग करेगी, उसकी वजह से जो उनके एनवायरमेंट में चेंज आएगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा, राइट. तो हम इन्हीं सारी चीज़ों को इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ते आए हो. टिल देन इट्स क्लियर लाइक वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. एंड इफ़ यू सी दैट इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, ज्योग्राफी, जेनेटिक्स, सोसाइटी, इन सब का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा. लाइक दीज ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडी आर इवेंचुअली हेल्पिंग इन डेवलपिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. ऑल्सो अगर इसकी डेफिनेशन की आप बात करें, बिकॉज एनी वे वी हैव टू राइट प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एनी ऑफ द कंसेप्ट्स दैट यू आर डीलिंग विद. सो इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज बेसिकली अ सब फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी
and is defined as the study of cultural adaptation to the environment. यानी कि culture को कैसे adapt करते हैं as per the environmental needs. And this subfield is also defined as the study of relationship between the population of human and the biophysical environment. That means here you need to remember two things. One is your culture and another is your environment. ठीक है, कल्चर और एनवायरनमेंट इन दोनों के अंदर जो भी कोरिलेशंस बन के निकल के आते हैं दैट यू स्टडी अंडर द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. और इसका जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं फोकस पॉइंट है, और ये जब डेवलप हुआ, जहाँ से डेवलप हुआ है, इट हैज़ इट्स कोर इन द कल्चरल इकोलॉजी. अब आप कल्चरल इकोलॉजी को याद करेंगे तो आपको याद होगा आपने एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में कल्चरल इकोलॉजी के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट. अब ये कंसेप्ट क्या होता है ब्रीफली यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. सो दिस कल्चरल इकोलॉजी कंसेप्ट स्टडी हाउ द ह्यूमन अडैप्ट टू द फिजिकल और द सोशल एनवायरनमेंट. यानी कि ह्यूमन के अडैप्टेशन उसके फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट में कैसे कैसे होता है, ये हम कल्चरल इकोलॉजी में समझते हैं और देखते हैं. एंड इसके अंदर एक एग्जाम्पल भी है, दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल दैट यू कैन इवन कोट एज वेल, जहाँ पे आपकी टिब्बत और वहाँ पे याक्स बहुत देखने को मिलते हैं. टिब्बत के रीजन में आपको याक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे. एंड इन लाइक सेंट्रल एशियन कंट्रीज ऑल्सो यू विल सी कि वहाँ पे भी आपको अलग अलग टाइप के जो इस टाइप के बड़े बड़े जानवर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे. वाई दिस इज सो, बिकॉज सच अ लाइक स्पीसीज ऑफ याक आर वेरी मच अडेप्टेड टू द माउंटेनियस रीजन. जिस तरह के हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं उनमें ये याक्स ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं कंपेयर टू द अदर लाइक एनिमल्स यू कैन से. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ विच दे हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ टिबेट. Because it can help them in like transporting goods, it can also provide them with milk, it can also provide them with like meat as well. ठीक है, और byproducts भी बहुत सारे होते हैं that eventually help in making their life much easier. Of whom? Like the Tibet people, right? So this is how, like why the people of Tibet are so much into with the yak only. ठीक है, और ये जो adaptation है of the Tibetan people rearing more and more yaks is studied under this concept you call the cultural ecology. और इसी cultural ecology से कहीं ना कहीं निकल के आया है आपका ecological anthropology, right? This you can see. So this is the relation. तो question किसी भी तरह आपको पूछा जा सकता है cultural ecology और ecological anthropology के बीच में relationship establish करने के लिए या importance बताने के लिए. Then in such a case you can utilize such an example, right? देन अलग अलग स्कॉलर्स ने भी कुछ डेफिनेशंस दी है ऑफ द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, वो एक एक करके देख लेते हैं बिकॉज अल्टीमेटली ये जो स्कॉलर्स के डेफिनेशन है दैट यू शुड राइट इन द एग्जामिनेशन. इफ यू लुक एट द डेफिनेशंस तो आपको देखेगा कि अभी तक जो हम इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं दिस इज सेइंग द सेम थिंग. इट इज ऑल्सो सेइंग कि इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज अ सब फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट डील्स विद द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड देयर एनवायरमेंट, राइट. It investigate the way people shapes the environment and may be shaped by it. यानी कि लोग अपने आसपास के environment को किस तरह से shape करते हैं और environment कैसे उनके ऊपर impact डालती है, इस complex relationship को आप ecological anthropology में study करते हैं. And there are like various other definitions also like you can see that you can read out and use whichever. Like important thing that we need to know is about the development of ecological anthropology. So here I'll try and explain you in a very simple word कि कैसे development हुआ है. So if you have to remember the chronology, मतलब exact ऐसी कोई chronology कहीं दी भी नहीं है, we are just trying to understand कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी. So first was your environmental determinism. पहले environmental determinism आया. कैसे environmental determinism came as a reaction to the Darwin theory. And I hope Darwin की theories क्या थी that you better know, right? सो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आया, देन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जब एक टाइम पे डिक्लाइन करने लगा एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, देन ओनली देर वॉज अनदर कंसेप्ट दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन यू कैन से एक्सप्लेनेशन टुवर्ड्स द शॉर्टकमिंग्स एंड द फर्दर अंडरस्टैंडिंग वॉज द कल्चरल इकोलॉजी, जो कि जूलियस स्टीवर्ड ने दी थी. उसके बाद इन दोनों कंसेप्ट जब पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए चीज़ों को, then there comes the ecological anthropology. So this is how the ecological anthropology developed, right? Abhi environmental determinism kya tha? So if you have studied geography, human geography jab aapne padhi hogi to us time pe zarur aapne environmental determinism, environmental possibilism aise type ke words dekhe honge.
सो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज बेसिकली नथिंग बट अ कंसेप्ट विच सेज कि जो आपका इन्वायरमेंट है दैट इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द कल्चरल फैक्टर्स राइट. अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. सो सपोज देयर इज एंड आइलैंड, आप मान लीजिए कोई आइलैंड नेशन है एंड देयर इज अ रीजन इन अलास्का. ठीक है, सो अलास्का है एंड देयर इज आइलैंड नेशन. तो जाहिर सी बात है जो आइलैंड नेशन है वहाँ पे आपको आसपास काफ़ी सारे सी ओशन जो भी देखने को मिलेंगे. उसकी वजह से जो वहाँ के लोगों का रहन सहन है दैट वुड बी समवॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल लिविंग इन द अलास्का रीजन. हाउ, हम अगर कुछ एग्जाम्पल ले लें, आपको सपोज हम यहाँ पे मालदीव्स की बात करें. सो मालदीव्स में अगर आप लोगों को देखेंगे तो मालदीव्स के लोगों में आपको देखने को मिलेगा कि उनकी प्रेफरेंसेस सी फूड पे काफ़ी ज़्यादा होती हैं. वहीं अलास्का में जो लोग होते हैं दे आर मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन द मीट, हाई प्रोटीन फैट, इन सब पे डिपेंडेंट होते हैं. वहीं आपके जो आइलैंड या मालदीव्स के जो लोग हैं अगर आप उनके पहनावे को देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट दे आर हैविंग सम वेरी लाइट क्लोथिंग्स. वहीं अलास्का के लोगों में आप देखेंगे दे आर हैविंग सम वेरी हैवी कोटेड फर, इस टाइप के उनके पहनावे होते हैं. सो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि जो उनका पहनावा है, पहनावा ये तो कल्चरल फैक्टर ही है राइट, जो उनका पहनावा है और जो उनके खाने पानी पीने के तरीके हैं, ऑफकोर्स दैट इज़ ऑल्सो कल्चरल फैक्टर, कल्चर तो डिटरमाइन करता ही है. तो ये सारी चीज़ें उनके इन्वायरमेंट के वजह से डिटरमाइन हो रही हैं. साउंड्स गुड राइट, ये तो लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं ऐसा तो होता ही है. बट इवेंचुअली जब और भी बहुत ज़्यादा कोरिलेशंस किया जाने लगा देन इट वॉज फाइंडेड आउट कि इट्स नॉट नेसेसरली द इन्वायरमेंट ओनली, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है. बिकॉज एज यू कैन सी जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का पूरा कंसेप्ट है ये बोलता है अपार्ट फ्रॉम दिस एन्वायरमेंट देर इज नो अदर फैक्टर्स दैट लाइक डिटरमाइन द कल्चरल फीचर्स और द कल्चरल फैक्टर्स. ये आपका सोशल कंडीशंस और ये सारी चीज़ें इन सबको भी पूरी तरह से नेगेट करता है राइट. तो दैट इज़ वाई वेन सम एथनोग्राफिक स्टडीज वॉज डन बाई वेरियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मेलनोवस्की, बायोस, इन्होंने जब अलग अलग स्टडीज किए और इन्होंने ये रियलाइज किया दैट दिस इज़ नॉट सफिशियंटली अ कंसेप्ट दैट कैन बी वैलिड फॉर ईच एंड एवरी थिंग. इट कैन बी ट्रू टू सर्टन एक्सटेंट बट नॉट होल्डिंग ट्रू टू एवरी पॉसिबल वे राइट. एंड इसके बाद इवेंचुअली अगर आप कल्चरल ज्योग्राफी की बात करें तो इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म उसमें आ गया. लेकिन और अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पर्सपेक्टिव से बात करें तो देयर वाज सम लाइक अदर एक्सप्लेनेशन गिवन बाय जूलियन स्टीवर्ट इन द टर्म नोन एज द कल्चरल इकोलॉजी. अब ये कल्चरल इकोलॉजी क्या था? सो कल्चरल इकोलॉजी बेसिकली ये कहता है कि लोगों का जो कल्चर है वो उनको एन्वायरमेंट में कैसे अडेप्ट करना है ये सिखाता है. लोगों का कल्चर है वो उनको एनवायरनमेंट पे अडेप्ट कैसे करना है ये सिखाता है. अगर आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान से पढ़ें तो यू विल फाइंड दैट देयर इज स्लाइट डिफरेंस इन दीज टू कंसेप्ट बट ये बहुत मेजर डिफरेंस है. भले आपको देखने में लगे कि लाइक इट सीम्स वेरी स्लाइट. सो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या बोल रहा है? आपका एनवायरनमेंट ही कल्चर को डिफाइन कर रहा है. लेकिन कल्चरल इकोलॉजी क्या बोल रहा है? आपका कल्चर जिस तरीके का है वो आपको एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट करना है ये सिखा रहा है. सो अगर हम वही अलास्का एंड मालदीव्स का पहले से एग्जांपल ले तो मान लीजिए जो मालदीव्स के लोग हैं उनको बोट्स पे छोटे छोटे आपने बोट्स देखेंगे, कैनोइज जिसको बोलते हैं, उनमें रेसिंग करना या ये सारी चीज़ें उनके पास टाइम्स हो सकते हैं. वहीं अलास्का की अगर आप बात करें तो वहाँ के लोगों का पास टाइम क्या हो सकता है? मे बी आइस स्केटिंग, बिकॉज आसपास बहुत सारी आइस अवेलेबल है तो आइस स्केटिंग उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका हो सकती है. बट ये इनके इन्वायरमेंट की वजह से इनको ये मौका मिला है दैट दे कैन गो ऑन दैट स्मॉल बोट्स एंड डू द रेसिंग एंड दे माइट बिकम वेरी गुड एट इट. वहीं अलास्का के लोगों के लिए क्या हो सकता है कि उन्होंने स्केटिंग करी एंड दे बिकम वेरी गुड एट इट. तो अब वो क्या करेंगे? उस चीज़ को यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे. कैसे? टू ओवरकम द इन्वायरमेंट. अगर मान लीजिए आप अलास्का के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है एंड दे आर वेरी गुड एट आइस स्केटिंग, सो इंस्टीड ऑफ गोइंग थ्रू एनी अदर वे विच कैन बी वेरी कम्बरसम क्योंकि आपको आइस पे चलना बहुत मुश्किल हो सकता है, दे माइट टेक द हेल्प ऑफ द आइस स्केटिंग इटसेल्फ राइट. सो उनका जो ये कल्चर था, कल्चर एज एन पार्ट ऑफ देयर हॉबी आप जो बोल सकते हैं, उसने इवेंचुअली उनके एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए उनको हेल्प करी. वहीं अगर आप मालदीव्स की बात करें, अगर उनको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना हो, लाइक फ्रॉम वन स्मॉल आइलैंड टू द अनदर स्मॉल आइलैंड अगर उनको जाना हो, तो दे हैव डेवलप्ड अ पास टाइम इन द फॉर्म ऑफ दिस बोट रेसिंग. वो उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं.
अपने उस एनवायरमेंटल को ओवरकम करने के लिए, एक जगह से दूसरे जाने के लिए, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो भी लिमिटेशंस आ रहे थे उसको ओवरकम करने के लिए. सो दैट इज व्हाट बीइंग एक्सप्लेन्ड इन द कल्चरल इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट. एंड लेटर ऑन दिस टू कंसेप्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय व्हाट वी आर स्टडिंग टूडे इज द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. अब ये इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, कल्चरल इकोलॉजी, दे माइट साउंड वेरी लाइक क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट्स, बट दोनों तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या वो देख लेते हैं. जब आप इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपके एडेप्टेशन को स्टडी करता है, दैट वुड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस. दैट मीन्स इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप थोड़ा और ब्रॉडर है. इसके अंदर जो भी अडेप्टेशंस किए गए हैं रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, वो किस तरह से वहाँ के कस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन करते हैं, उसके बारे में स्टडी की जाती है. बिकॉज एज वी सी सॉ लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर इटसेल्फ, ये कल्चर, पीपल और एनवायरनमेंट, इन सब के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को स्टडी करता है, राइट. Also, ecological anthropologists believe that the population are not engaged with the total environment around them, but rather with the habitat consisting of certain selected aspect and local ecosystem. So suppose this is the entire environment. इस environment में कहीं ना कहीं एक छोटा habitat होगा, because habitat we know like the place where the organism lives, right? So this can be the habitat. अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वही जो हमने पहले अलास्का वाला लिया था, अगर हम मान लीजिए उस एग्जाम्पल को लेते हैं जहाँ पे लोग इग्लूज बना के रहते हैं बिकॉज दे हैव टू कम दी ओवरकम दी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस. बट व्हाट इफ कि अगर जो अलास्का में इतने हार्श एनवायरमेंट में रह रहे हैं, दे हैव एक्सेस टू सर्टेन टेक्नोलॉजीज दैट कैन मेक वॉर्म, राइट. तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इग्लूज, दे कैन ऑप्ट फॉर सच अ टेक्नोलॉजीज दैट कैन कीप वॉर्म, और उस केस में उनको इस टाइप के अडेप्टेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और द एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु फेवर्ड दिस इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी वॉज ऑल्सो ऑफ दिस थॉट प्रोसेस दैट ईच पॉपुलेशन हैज़ इट्स ओन अडेप्टेशंस इंस्टीट्यूशनलाइज इन द कल्चर ऑफ अ ग्रुप, स्पेशली इन देयर टेक्नोलॉजीज. जो हमने टेक्नोलॉजीज वाली बात करी है, और वहीं अगर आप इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द काउ. काउ इज कंसिडर्ड सेक्रेड इन आवर कल्चर, राइट. And because of that sacredness and because of that usefulness, because cow ki usefulness bahut zyada hoti hai, it provides us with the milk, it provides us with the other things like cow dung, cow urine, jo bhi aap bol le alag alag context mein, culture mein uska bahut significance hai, bahut importance hai. And that cow milk, because since India is the largest producer of the milk, it also helps in satisfying the needs of the people, right. बिकॉज हम जितना मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उस रेशियो में हम मिल्क बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. सो दैट मीन्स वी आर यूटिलाइजिंग इट इन दैट मैनर ओनली. सो ये वाला जो इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल का कंसेप्ट है, ये भी डिफाइन करता है कि सिंस काउ इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड इट्स यूजफुलनेस इज पैरामाउंट, दैट इज वाई हमारे कल्चर में काउ को आप काउ मीट को खाता हुआ नहीं देखेंगे लोगों को. इट्स कंसिडर्ड टू बी लाइक बैंड, राइट. बट इन केस ऑफ अदर कल्चर्स, लाइक आप अमेरिकन कल्चर की बात करें तो देयर यू कैन फाइंड पीपल हैविंग बीफ मीट्स, उनके लिए कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, और उनके लिए अलग कंडीशन है, अलग रीजन्स है, राइट. वहीं इंडिया में हमारे लिए अलग कंसिडरेशन है, अलग रीजन्स है. तो दीज आर लाइक सर्टन एक्सप्लेनेशन दैट यू कैन यूज और राइट एज एन एग्जाम्पल. वहीं देर वॉज अ फेमस स्टडी और द वर्क being done by Roy Rappard. इन्होंने न्यू गिनिया आइलैंड में कुछ ट्राइबल्स के ऊपर स्टडीज करी थी. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल केस स्टडी, लाइक विच एवर यू कैन से. तो आप ये देख सकते हैं, आई एम नॉट लाइक गोइंग टू गो डीपर इन टू इट. ये सिमिलरली आपको इंडिया के काओ वाले एग्जाम्पल से ही देखता कुछ मिलेगा, लाइक पिग से रिलेटेड है ये. तो ये वाला एग्जाम्पल आप चाहे तो मैंशन कर सकते हैं, ठीक है, while explaining the ecological anthropology और उससे related कुछ चीज़ों के बारे में. Then कुछ major contributors की अगर आप बात करना चाहें, like ecological anthropology में किन-किन का contribution रहा है, तो eventually Julian Stewart का तो रहा ही है in case of the cultural ecology. और भी other लोग हैं, Roy Rappard के बारे में हमने देख लिया, Marvin Harris भी थे, Leslie White भी थे, but we are not going that much deeper into it कि इनके क्या क्या specific चीज़ें नहीं, because Leslie White की energy theory, that is why I have written out here कि Leslie White की जो energy theory थी, if you can want you can refer to the anthropological theory, वहाँ आपको वहाँ पर आपको पता चल जाएगा. but to keep it like simple, we have used the concept of environmental determinism, cultural ecology जो कि आपके Julian Stewart ने दिया है, and then eventually we landed up to the ecological anthropology. but other contributors भी थे आपके ecological anthropology के अंदर. That is what I wanted to tell you. Okay.
फटाफट से ये वैल्यू एडिशन देख लेते हैं. एज आई टोल्ड यू, लाइक इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी, बोथ ऑफ दीज आर लाइक काइंड ऑफ यूज इंटरचेंजेबली समटाइम्स, बट आपको एक स्लाइट डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है. अभी तक वी हैव स्टडीड द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, राइट? और इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हमने क्या देखा, दैट इट स्टडी द कल्चरल अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट. और ये मोस्टली आपके इकोलॉजिकल मेथोडोलॉजीज, ह्यूमन ग्रुप और एनवायरनमेंट के बीच में क्या इंटर रिलेशन है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है. एंड बाय द वे, दीज आर द एनवायरनमेंट रिसर्च मेथोडोलॉजीज और टेक्निक्स यूज्ड एट प्रेजेंट, राइट? ऑल्दो आपको कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं एनवायरमेंटल रिसर्च में क्या है उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. हमारा मेन पर्पस ही यही है कि हम बस दोनों के डिफरेंस को थोड़ा स्लाइटली समझ पाए. देन अगर एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, तो एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी आपकी जो ये भी ऑफकोर्स लाइक इट्स अ सब डिसिप्लिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ओनली, एंड इट एग्जामिन द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट इन विच दे इनहैबिट. तो समवॉट लाइक इट दे आर क्लोजली रिलेटेड, बट आपको एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी का यूजेज एट प्रेजेंट अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी देखने को मिलेगा. मे इट बी लाइक स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज, मे इट बी स्टडिंग अबाउट द वाटर स्कैरसिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल. सो दिस इज लाइक क्विकली अबाउट देम. नाउ टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, चूंकि हम इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं लाइक एंथ्रोपोलॉजी में इनके क्या क्या एप्लीकेशन रहे हैं. तो वन वेरी फेमस एग्जाम्पल इज ऑफ द माया सिटी. यहाँ पे किस तरीके से लाइफ स्टाइल थी, हाउ इट डिक्लाइन, बहुत सारी चीज़ें जब एंथ्रोपोलॉजी ने एक्सकवेशन की, बिकॉज वी नो दैट एंथ्रोपोलॉजी के अदर जो ब्रांचेस है दे समटाइम्स लाइक वर्क इन कोऑर्डिनेशन. अगर आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ एक्सकवेशंस की हैं, तो जो भी आपके आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, दे विल एग्जामिन सर्टेन थिंग्स बेस्ड अपॉन दीज इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिक्स पर्सपेक्टिव्स. तो अब इसके अंदर क्या हुआ, दिस माया सिविलाइजेशन और माया सिटीज, लाइक यू कैन फाइंड देम नियर दी मेक्सिको और ग्वाटेमाला वाले जो आपके लोकेशंस है, यू कैन सी ये वाला जो एरिया है, दिस वॉज लाइक समवॉट रेफर्ड टू एज दी माया सिविलाइजेशन. और माया सिविलाइजेशन आज से काफ़ी सालों पहले एग्जिस्ट करती थी. मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन भी इसको कभी कभी रेफर करते थे, और इनके टाइम पे अपने अपने डेवलपमेंट्स थे, बट हमें उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से नहीं जानना है. हमने ये जानना है कि इन माया सिटीज़ में इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल रहा. सो एक्चुअली जो वहाँ के जितने भी रिमेन्स थे और जितने भी आज के डेट में प्रेजेंट थे, उनके जो भी आसपास लेक्स और अलग अलग जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अवेलेबल थे, उनको एग्जामिन किया गया ओवर लाइक टाइम. एज यू कैन सी, जो वहाँ के पॉलन आसपास से इकट्ठे किए गए थे लेक बेड से और ये सारी चीज़ें, दे डिटरमिन द रिलेटिव एब्यूडेंस ऑफ द वेरियस इकोसिस्टम सच एज द कॉर्नफील्ड एंड द पाइन फॉरेस्ट ओवर टाइम. क्योंकि इनको एग्जामिन करने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि वहाँ के उस टाइम पे किस टाइप का इकोसिस्टम हुआ करता था. And they found that the deforestation in the upland associated with an expanding population around the Maya city of Copan was one of the factors that led to the city's decline. तो supposedly आप इसको present day से अगर relate करके देखना चाहें कि जिस तरह से deforestation हो रही है, right? Deforestation हो रही है, deforestation करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? Growing population, population बढ़ रहा है. To satisfy the need of the population, you need a land to build the houses, you need land to expand the industries, so that more and more people get employed and their needs can get fulfilled, right? So ultimately, सभी चीज़ का अगर आप end goal देखें तो ये एक cyclic formation में चलेगा और ultimately कहीं ना कहीं आपको population उसके लिए जिम्मेदार नजर आएगी. दिस इज द सेम थिंग वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली. क्योंकि उस टाइम पे आप देखिए कोई बैठा तो नहीं था हु इज टेलिंग यू द स्टोरी लाइक ओके माया सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन किया, कैसे वहाँ पे चीज़ें चल रही थी. इट्स बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस थिंग्स दैट इज प्रेजेंट आउट देयर, राइट? तो इनके एनालिसिस यही पता चला कि बहुत सारे पॉपुलेशन हो रहे थे, एक्सपेंशन हो रही थी, जिसकी वजह से फॉरेस्ट क्लियरेंस हो रहे थे, और फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से अल्टीमेटली दे हैड नथिंग दैट यू कैन से कि एनवायरमेंट को मैनेज करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी. आज के डेट में जैसे आप अलग अलग डील्स की बात करते हैं, पेरिस क्लाइमेट चेंज डील हो जाए, या अलग अलग बॉडीज या ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं हु इज लाइक वर्किंग, और एनवायरमेंटल एक्टिविज्म की बात करते हैं, ऐसी सारी कोई चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही थी. थिंग्स वर हैपनिंग इन देयर ओन वे, सो दैट इज़ वाई इट अल्टीमेटली लेड टू द डिक्लाइन. तो दिस इज़ वन ऑफ द, यू कैन से अगर आप इसको केस स्टडी के फॉर्म में भी लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं. बेसिकली एप्लीकेशन केस स्टडी आप जैसे इसको यूज करना चाहिए, यू कैन बेसिकली यूटिलाइज इट, राइट? दिस अनदर एग्जाम्पल ऑफ द शुगर केन प्लांटेशन इन द कैरेबियन. ऑल्दो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये स्टडी जब की गई थी वॉज डन बाई द एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिडनी मेंज. और सिडनी मेंज का जो भी ये शुगर प्लांटेशन वाला जो भी वर्क डिस्कस करने वाले हैं, इट्स यूजली नॉट डिस्क्राइब्ड एज एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी, बट
His careful documentation of the relationship between people, sugarcane clearly demonstrate the importance of certain species of plant in shaping human history. So this is the point, like why we are studying this particular thing. But ये directly आप environmental anthropology से relate नहीं कर सकते. तो basically, if I have to tell you like in simple word what it is trying to say, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो Caribbean islands के आसपास आप Caribbean islands में आपको बहुत सारे sugarcane plantations देखने को मिलेंगे and they are very famous for that. आपको Caribbean में Cuba भी देखने को मिलेगा, which is one of the greatest hub for the sugarcane production, right? और शुगर प्रोडक्शन. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि जो अमेरिकन्स थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव डेवलप अ काइंड ऑफ एन स्वीट टूथ. स्वीट टूथ तो ऑफकोर्स स्वीट क्रेविंग आप कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ शुगर ओनली. आप शुगर से शुगर कैंडीज बना सकते हो, अलग अलग टाइप की चीज़ें बन सकती हैं. एंड अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज प्लांटेशन क्रॉप्स जितने भी होते हैं दे रिक्वायर लॉट ऑफ लेबर वर्क एज वेल. तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग द स्लेव ट्रेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन और कॉलोनाइजेशन, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं रिलेट किया जाता है ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रेविंग ऑफ द अमेरिकन्स. एंड ही एग्जामिन लाइक हाउ शुगर वेंट ऑन फ्रॉम बींग अ लग्जरी गुड एसोसिएटेड विद द अपर क्लास एज अ स्पाइस एंड अ मेडिसिन टू द रेगुलर स्टेपल फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स. एंड द इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ शुगर एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोवाइडेड फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर कंटिन्यूइंग स्लेवरी एंड कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट्स इन द अमेरिका. और आपको पता ही होगा अमेरिका में स्लेवरी काफ़ी प्रिवेलेंट थी एंड देयर इज लाइक ऑल्सो जुनेथ विद इज सेलिब्रेटेड फॉर द एबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी. दैट इज वाई लाइक दिस पर्टिकुलर मैंशनिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो ये डायरेक्टली आपके एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बट लाइक हाँ अगर आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर भी कहीं ना कहीं यूज़ करना हो लाइक हाउ सर्टन प्लांट स्पीसीज वॉज शेपिंग अप सम कल्चरल पैटर्न और गिविंग राइज टू स्लेवरी और एनी अदर थिंग, देन यू कैन यूटिलाइज ऑल दीज थिंग्स. Now, before we begin with the next part, that is the biocultural adaptation, biocultural anthropology is also one of the concept. So, इसके बारे में भी जान लेना ज़रूरी है, so that like अगर one point or कुछ question पूछ लिया जाए, तो you should be like better able to answer, right? So, biocultural anthropology as such, like इसके बहुत सारे अलग-अलग applications हो सकते हैं, but mostly it tells us about the interaction of cultural and the biological approaches. और कंटेम्प्रेरी अगर आप इसके यूजेज बोले या कंटेम्प्रेरी व्यू पॉइंट्स बोले लाइक हाउ एंड वाई इट इज़ यूज. सो हम सभी ने पढ़ा हुआ है लाइक अबाउट द प्रिमेट अडेप्टेशन. सो इन प्रिमेट अडेप्टेशन वी हैव सीन लाइक देर आर मेनी मेनी चेंजेस दैट हैपन, चाहे वो आपके ब्रेन में हो, चाहे वो आपके चलने फिरने या लोकोमोटरी अलग अलग तरीके होते हैं. दे आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टन लाइक चेंजेस इन द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दैट अल्टीमेटली led or that ultimately shown some changes in the cultural front as well. And यहाँ से जब हम cultural front की बात करते हैं तो cultural social आप दोनों ही respects में देख सकते हैं. जैसे कि एक parenting का तरीका या बच्चों को जिस तरह से आप primates में भी आपने देखा होगा कि वो जिस तरह से अपने बच्चों को train करते हैं, जिस तरह से उन्हें सारी चीज़ें सिखाते हैं, that has eventually developed. शुरुआत से ही ऐसी सारी चीज़ें नहीं थी, धीरे धीरे निकल के आई हैं, right? सिमिलरली आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट इज बीइंग पॉसिबल. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग कवर्ड अंडर द बायोकल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, राइट? तो दिस इज अबाउट इट. ऑल्सो एक कल्चर और बायोलॉजी, क्योंकि हमने कल्चरल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं. तो यू शुड बी लाइक इन अ पोजिशन टू कोरिलेट और टू इंटरलिंक बोथ दीज थिंग्स. सो इन दैट वे यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट एज वेल, जहाँ पे आप देखेंगे कि कल्चरल cultural diversity and the biological diversity both are like kind of an interlinked with each other, right? बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन दोनों के वजह से ही आपस में impact डालती हैं. So that is like one thing. I will not like spend much time out here. अब हम फटाफट से अपने जो main topic है, that is your biocultural adaptation, जिसके अंदर genetic and non-genetic factors आपको पढ़ने हैं. तो सबसे पहले how we are going to study this particular topic is, सबसे पहले तो हम एक इंट्रोडक्शन ऑफकोर्स देखेंगे कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. देन विल टेक अ रिवर्स गियर और ये अडेप्टेशन कहाँ से आ गया है, इसके पहले और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, हम उसको देखेंगे, राइट? सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ह्यूमन बींग की ये बायोकल्चरल अडेप्टेशन जो आपको पढ़ने हैं, सो दीज अडेप्टेशन यू नीड टू लर्न इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन बींग.
ऑल्सो ऑल्दो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट हम ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एनिमल्स के रिस्पेक्ट में अभी हम उतना नहीं जानने वाले. तो वट एवर द फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज गोइंग टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द ह्यूमन ओनली. सो ह्यूमन बींग एज वी नो कि हमने अक्रॉस द ग्लोब यू कैन फाइंड ह्यूमन बींग एट अ वेरी हार्शर कोल्डर क्लाइमेट एंड इवन एट द हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, और इवन आपको आईलैंडर्स भी बहुत सारे मिलेंगे. सो अलग अलग जगह पे आपको लोग देखने को मिलेंगे. दे हैव काइंड ऑफ एन इनहैबिटेड अ प्लेस डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर एंड हाउ दे आर बीइंग एबल टू सर्वाइव आउट देयर बिकॉज ऑफ सर्टन अडैप्टेबिलिटीज, राइट. हम बहुत सारी चीज़ों को अडैप्ट कर लेते हैं, दैट इज़ वाई लाइक वी आर बीइंग एबल टू सर्वाइव आउट देयर. अब इसको हम एक सोशोलॉजिकल एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं. लाइक अ गर्ल आफ्टर गेटिंग मैरिड शी शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, राइट. और अक्सर ये बोला जाता है दैट यू नीड टू यू नो अडैप्ट टू द चेंजेस दैट यू आर गोइंग टू हैव. आपको वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ फिर से तालमेल बिठा के उनके साथ रहना सीखना होता है. तो दैट इज़ वॉट बींग यू आर गेटिंग अडैप्टेड टू इट, बिकॉज उसके पहले आप बहुत ही अलग माहौल में रहते थे. आई एम नॉट सेइंग दैट जंगल में आप जा रहे हो, बट या मतलब आपका एक अलग माहौल से आप निकल के आते हो और आप दूसरी जगह जाते हो तो आपको सेटल होने में टाइम लगता है, आप थोड़ा सा अडैप्ट करते हो. सो दैट इज़ वॉट इज बींग वी आर गोइंग टू स्टडी आउट देयर. नॉट दैट सोशोलॉजिकल वाला अडेप्टेशन कैसे करते हैं, बट अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अडैप्ट कैसे करते हैं. मोस्टली आपके हॉट क्लाइमेट में कैसे करते हैं, कोल्ड में कैसे करते हैं और हाई एल्टीट्यूड में कैसे करते हैं, ठीक है. तो ये कुछ पिकुलियर चीज़ें हैं जो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं. ऑल्सो जो भी आपके अडेप्टेशन होते हैं दे कैन बी लाइक टेम्प्ररी और परमानेंट, एक्वायर्ड ईदर थ्रू शॉर्ट टर्म और द लाइफ टर्म प्रोसेसेस. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट अडेप्टेबिलिटी के जो आप लिख सकते हैं, ऑल्दो हम अडेप्टेबिलिटी को आगे डिटेल में कवर तो करने ही वाले हैं. देन कल्चर की अगर हम बात करें, क्योंकि आपकी बायो कल्चरल अडेप्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो अगर हम स्पेसिफिकली पहले अगर कल्चर की बात कर ले तो कल्चर के केस में क्या होता है. कल्चर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है डिटेल में दैट इट इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, राइट. कल्चर कोई आप कोई एक ट्रेट होता है दैट इज़ नॉट योर बॉर्न विथ बट यू एक्वायर इट थ्रू योर लाइफ टाइम. आप कुछ चीज़ें सीखते हो, समझते हो, परखते हो, उसी बेसिस पे करते हो. तो इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल कि हाउ दिस कल्चर helps you in you know adjusting or adapting to certain environment. तो अगर आपको पता हो like in certain cold environment, तो cold environment में अपने उनके कुछ तरीके होते हैं in terms of food, in terms of their clothing, in terms of how they keep their home warm. अगर हम traditional तरीकों की भी बात करें तो ये जो traditional तरीके होते हैं आज के date में, तो like you have certain amenities at your disposal जिसको आप utilize करके अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हो. लेकिन what if like आज से काफ़ी सालों पहले जब ये सारी amenities नहीं हुआ करती थी, even आज के भी case में अगर आप किसी बहुत रिमोटेस्ट प्लेस में जाएंगे, हिमाचल में अगर आप किसी रिमोटेस्ट विलेज में जाते हैं, तो यू विल फाइंड दे हैविंग अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल. उनके लाइफस्टाइल में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा एंड दे आर यूटिलाइजिंग देयर ओल्ड लर्न्ड थिंग्स दैट दे हैव लर्न्ड फ्रॉम देयर दादी नानी टू कीप देयर होम वार्म, टू लाइक प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड. उनके जो खाने पीने के तरीके होते हैं ये आपको पहले जैसे ही देखने को मिलेंगे. सो दैट इज़ वॉट इज़ बीइंग कल्चर, राइट. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता गया है एंड दैट इज़ वॉट हेल्पिंग देम टू लाइक कोप अप विद द एनवायरनमेंट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एम्फसाइज दैट द कल्चर इज़ नॉट जेनेटिकली डिटरमिंड एंड द ह्यूमन प्रीडिस्पोजिशन टू एसिमिलेट कल्चर एंड द फंक्शन विद इन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, राइट. एंड इंडीड ओवर द पास्ट सेवरल मिलियन ईयर्स ह्यूमन एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड कल्चर हैव इंटरैक्टेड इन सच अ मैनर दैट ह्यूमन आर सेट टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द बायोकल्चरल एवोल्यूशन. अगेन सी ये आपको एक सेंटेंस की तरह पूछा जा सकता है कि वाई लाइक द ह्यूमन एवोल्यूशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज द बायोकल्चरल एवोल्यूशन, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमने जब देखी कि चाहे तो आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट हो, चाहे लोकोमोटरी पैटर्न्स में डेवलपमेंट हो कुछ, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कल्चर में भी इन्फ्लुएंस करती. कल्चर बोल लीजिए आप, सोशो कल्चरल जो भी बोलना चाहे वो बोल लीजिए, उनमें भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं. एंड दैट इज़ हाउ वी आर इवॉल्व, राइट. क्योंकि एवोल्यूशन क्या होता है, सर्टन आप कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो विद द टाइम, दैट इज़ वॉट द एवोल्यूशन इज ऑल अबाउट. तो इसी तरह से हज़ारों सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इट्स मे बी लाइक बायोलॉजिकल कल्चरल और जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स थे उसके अनुसार चेंजेस हुए हैं एंड दैट इज़ वाई इट कैन बी रिफर्ड एज द ह्यूमन कैन बी रिफर्ड एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द बायोकल्चरल एवोल्यूशन. इसको आप थोड़ा और एक्सपैंड भी कर सकते हैं, मतलब दीज आर लाइक सर्टन क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट अगर पूछना हुआ तो, ठीक है. एंड दस द एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन वेरिएशन इंक्लूड द बायोकल्चरल रिस्पॉन्सेज of the population of different kind of environmentally introduces stress like high altitude, cold and heat, जो कि हम इस particular lecture के अंदर cover करेंगे. High altitude, cold और heat में क्या क्या adaptations होते हैं हम उनको जानेंगे.
एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन सी कि कैसे कल्चरल इनहेरिटेंस और कैसे जेनेटिक इनहेरिटेंस पास ऑन होता जाता है एक दूसरे से. ऑल्दो लाइक ये डायरेक्टली इससे कोई रिलेटेड नहीं है, बट दिस आई इंक्लूडेड बिकॉज आई फाइंड इट टू बी वेरी यूजफुल. आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपको कल्चर या जेनेटिक इनहेरिटेंस और उनमें कोई रिलेशनशिप शो करना हो तो. ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैसे पास ऑन हो रही है एंड टेकिंग द आइडिया, मतलब सच अ फ्लो चार्ट यू कैन यूटिलाइज समवेयर एल्स ऑल्सो. मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस वन, मतलब आप थोड़ा आइडिया ले लें कि इस तरीके से होती हैं चीज़ें. फॉर दोज ऑफ यू हु आर लाइक न्यू आंसर राइटिंग को लेके या सारी चीज़ों को लेके, तो उनको अपना दिमाग थोड़ा सा इस तरीके से दौड़ाना है. ठीक है, नाउ अब एक हम रिवर्स गियर लेते हैं. हमें पढ़ना तो है यहाँ पे बायोकल्चरल अडेप्टेशन. ठीक है, मार्क द वर्ड अडेप्टेशन. अडेप्टेशन एक चीज़ होती है, एडजस्टमेंट एक अलग चीज़ होती है. अब अगर आप फ्लो में जाके देखें तो सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा. ठीक है, एक होता है एडजस्टमेंट जो कि बायोलॉजिकल और कल्चरल हो सकता है. देन बायोलॉजिकल और कल्चरल अडेप्टेशन के बाद आपको बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट के अंदर बायोलॉजिकल अडेप्टेशन देखने को मिलेंगी. वहीं कल्चरल अडेप्टेशन के अंदर आपको कल्चरल एडजस्टमेंट के अंदर आपको कल्चरल अडेप्टेशन देखने को मिलेगी. और ये जो बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है दैट इज़ ओनली रेफर टू एज द जेनेटिक, और ये जो कल्चरल है दैट इज़ रेफर टू एज द नॉन जेनेटिक, जो कि आपके जेनेटिक और नॉन जेनेटिक फैक्टर्स है. और बायोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर आपको एक्लिमेटाइजेशन और डेवलपमेंट एक्लिमेटाइजेशन देखने को मिलेगी. आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी. अब ये जो फ्लो चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज नॉट समथिंग लाइक डिफाइंड समवेयर कि ये ऐसे होता है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई हैव इंक्लूडेड दिस कि चीज़ें इस तरह से काम करती है. अगर आपको कहीं एडजस्टमेंट देख लिया जाए, अडेप्टेशन, एक्लिमेटाइजेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस ऑर्डर में बात कर रहे हैं, लाइक हाउ एंड फ्रॉम वेयर ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग इन, राइट. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर कि इस तरीके से चीज़ें फ्लो करती हैं. नाउ सबसे पहले अगर कल्चरल एडजस्टमेंट की बात करें, दैट यू कैन सी यहाँ पे कल्चरल एडजस्टमेंट की जब हम बात कर रहे हैं. सो कल्चरल एडजस्टमेंट क्या होता है, टू अंडरस्टैंड दिस लाइक इट्स बेटर टू टेक अप एन एग्जांपल. ऑल्दो एडजस्टमेंट वर्ड से तो आप समझ रहे हैं लाइक व्हाट लिटरली एडजस्टमेंट मीन, एडजस्ट कर लेना, राइट. सो सपोज देयर इज अ वेरी कोल्ड कंडीशन, यू आर लाइक ट्रैवलिंग टू अ वेरी कोल्ड कंडीशन. सो यू आर जनरली एडवाइज कि आप इस कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए यू वेयर सर्टन लाइक क्लोदिंग दैट विल हेल्प यू इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इट, एंड देन यू कैन हैव सर्टन ड्रिंक्स दैट माइट प्रोवाइड यू विद सम यू नो वॉर्म्थ. तो ये सारी चीज़ें होती हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द कल्चरल एडजस्टमेंट, कि आप कल्चरल एडजस्टमेंट कर रहे हो टू कोप अप विद दैट सर्टन पर्टिकुलर चेंजेस. जैसे कि इस केस में हम कोल्ड कंडीशन की बात करें तो इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी लाइक एनी अदर थिंग. वो हॉट एनवायरनमेंट भी हो सकता है, वो एल्टीट्यूड भी हो सकता है जिसके इर्द गिर्द हम सारी बातें करने वाले हैं, राइट. और ये जो कल्चरल एडजस्टमेंट होता है ये ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स ऑलवेज गुड, ओनली सर्टन टाइम्स ऑफ कल्चरल एडजस्टमेंट कैन बिकम एन हैबिट ऑल्सो. चाहे वो आप इसकी बात कर ले, स्मोकिंग की बात कर ले, या आप ड्रिंकिंग की बात कर ले, अल्कोहलिज्म की बात करें, तो ये कुछ सर्टन कल्चरल चेंजेस तो किए गए थे, बट ये कल्चरल चेंजेस कहीं कहीं अपने आप में घातक भी हो जाते हैं. तो दैट इज़ लाइक अनदर टॉपिक ऑफ डिबेट, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे. बट आई होप आपको एडजस्टमेंट, कल्चरल एडजस्टमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, राइट. देन योर नेक्स्ट इज़ द बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट. अब ये बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट क्या होता है, सो सपोज देयर इज़ सम पर्सन फ्रॉम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और वो आपके इंडिया में ट्रैवल करने के लिए आए हैं. सो इंडिया में ऑफकोर्स डेफिनेटली जितनी उनको वहाँ पर ठंड मिलती है, इंडिया में उनको उस टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं देखने को मिलेगा, राइट. और उस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं देखने के वजह से जब वो यहाँ पे आएंगे बिकॉज ऑफ द हार्श सन एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उनको सर्टन पिगमेंटेशंस भी अपने स्किन्स पे देखने को मिलेंगी, ठीक है, राइट. बिकॉज अभी आपको हमने मेलानिन के बारे में काफ़ी बारी पढ़ा हुआ है, स्किन कलर में चेंजेस कैसे आते हैं, लाइक व्हाट इज मेलानिन, हाउ इट इंटरैक्ट विद द यूवी रेज ऑफ द सन एंड ऑल, तो उस प्रकार से उनके चेंजेस आएंगे. तो दीज आर कॉल्ड द बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट. और ये बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स क्या करेंगे, उनको हेल्प करेंगे इन कोपिंग अप विद द सर्टन changes in the environment that they are in. और वो जैसे ही वापस जाएंगे तो वो सारी चीज़ें normal हो जाएंगी. तो ये जो biological adjustments है ये कब होती हैं, ये आपके height, pigmentations, facial features, इनमें जो भी changes देखने को मिलते हैं आपको, that you can refer to as the biological adjustments, right? अब यहाँ पे आप देखिए बायोलॉजिकल और कल्चरल एडजस्टमेंट की जब हमने बात की थी तो हमने बायोलॉजिकल और कल्चरल एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं हमने वो देख लिए हैं. नाउ फर्स्ट विल अंडरस्टैंड कि अडेप्टेशन अपने आप में क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अडेप्टेशन को जब आप समझेंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड कि बायोलॉजिकल और कल्चरल अडेप्टेशन क्या क्या होते हैं. तो आई होप लाइक यू आर अंडरस्टैंडिंग लाइक हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. सो अडेप्टेशन इज बेसिकली द परमानेंट चेंजेस इन द स्ट्रक्चर
and the physiology of an organism. And the population of societies may be adapted differently to live in different environment. So if you remember, or if you have analyzed the previous year questions of the UPSC, so ek question aaya tha UPSC mein, in which they asked about the plant adaptability to the desert environment condition. ठीक है कि desert में या hot conditions में plant कैसे adapt कर लेते, तो उनके भी अपने कुछ traits होते हैं, तरीके होते हैं by which they adapt. If you have read about the mangroves, you must be knowing ki how the mangroves adapt to the salt water, और किस तरीके से उनके roots develop होते हैं to survive, उनके plants की reproduction कैसे होती है. They have all adapted to their own environmental condition. And since here we are talking about the human being, तो human being के case में you can find an example of the Eskimos, like how the Eskimos are able to survive in such a cold climatic conditions. तो आपको उनके body structures में कुछ changes मिलेंगे जो कि generally दूसरे population में आपको नहीं देखने को मिलते हैं. Like they have these shorter limbs, और उनके जो body normal trunks होती हैं वो भी आपको normal लोगों से ज़्यादा बड़ी दिखेगी, और वहीं limbs ज़्यादा छोटी दिखेगी in compared to the other population. So why this is so? This is because they have developed such a kind of an adaptability to the environment to survive. अब of course इसके अंदर कुछ genetic चीज़ें भी होती हैं, because their ancestors were living there only, so they have developed certain genes जो उनको harsh climatic condition में cold specifically में survive करने के लिए help करता है. वहीं दूसरी तरफ अगर आप African population की बात करें, स्पेशली द रीजन नियर द इक्वेटर, तो वहाँ के केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर उनको आप ठंडे इन्वायरमेंट में छोड़ दो तो दे विल डेवलप फ्रॉस्टबाइट. उनको क्या, अगर हम इंडियंस को भी आप बहुत ज़्यादा ठंड कंडीशन में छोड़ दो तो वी विल डेवलप द फ्रॉस्टबाइट इन सच अ क्लाइमेटिक कंडीशन, वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव, बिकॉज हमारी अडेप्टेबिलिटी उस तरीके से नहीं है. ऑफकोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कपड़े और अलग अलग इक्विपमेंट्स के साथ छोड़ दिया जाए, यू विल बी एबल टू सर्वाइव, बट naturally you won't be, right? Naturally आपको survive करने के लिए वहाँ पे उस type की adaptability आपकी नहीं, उस type का adaptation आपका नहीं है. तो it also comes from your genes, but with time it happens कि कुछ ना कुछ changes आपके आ जाते हैं, और जिससे आप adapt कर लेते हो उस certain environment में, उस certain conditions में, right? और ये जो environment होते हैं और जो conditions होती हैं, ये generally are acclimatization or the genetic adaptations. So that means कि ये जितने भी आपके adjustments और adaptations हो रहे हैं, they can be acclimatization or the genetic adaptations. अभी acclimatization क्या होता है, as you must be seen here, कि acclimatization हम next बार में यहाँ पे जब discuss करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि आखिर ये acclimatization होता क्या है. So acclimatization ultimately is the result of the adaptation only, right? और ये genetic adaptation भी हो सकता है, as I told you. और जेनेटिक अडेप्टेशन होगा, देन वी विल रेफर टू एज दी जेनेटिक और दी बायोलॉजिकल अडेप्टेशन. तो वो क्या क्या होते हैं वो अलग अलग करके तो देखने ही वाले हैं, राइट? सो नाउ टिल हियर हमने एडजस्टमेंट, बायोलॉजिकल, कल्चरल देख लिया, बायोलॉजिकल अडेप्टेशन हम अभी देखेंगे और कल्चरल अडेप्टेशन हमने देख लिया है. सो एक और यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि कैसे अ पर्सन डेवलप सर्टन यू कैन से दी अडेप्टेशन. तो सबसे पहले तो आप बिहेवियरल अडेप्टेशन होता है आपका, दैट कीप्स ऑन गोइंग, मतलब आप बिहेवियरल अडेप्टेशन आपका चलता जाता है. लेकिन सबसे पहला जो स्टेज होता है, लाइक वेन यू गो ऑन टू सर्टन क्लाइमेटिक कंडीशन, तो जो सबसे पहला स्टेज होता है दैट इज़ योर एक्लिमेटाइजेशन. और एक्लिमेटाइजेशन क्या है मैंने पहले ही बताया, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंटल अडेप्टेशन होता है, फिर जेनेटिक अडेप्टेशन होता है एट दी एंड. तो दिस इज हाउ दी लाइक द टाइम लाइन गोज. और इसमें आप देख सकते हैं जनरेशन्स भी लग जाते हैं, सालों साल बहुत टाइम लग जाता है इन दिस जेनेटिक अडेप्टेशन. ये कुछ ऐसे फास्ट एंड फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक्लिमेटाइजेशन बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाता है. दैट इज़ वाई जब आप देखेंगे लाइक द माउंटेनियरिंग पे अगर कोई जाता है या कुछ ऐसी कंडीशंस में होती है, तो वो जनरली कुछ दिनों में एक्लिमेटाइज तो हो जाते हैं, लेकिन अडेप्टेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इवन फॉर द डेवलपमेंट अडेप्टेशन. एंड डोंट वरी, ये डेवलपमेंटल अडेप्टेशन क्या होता है, क्लाइमेटाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? Now, what is this biological adaptation? So, see, biological adaptations आपके कुछ few seconds में भी हो सकते हैं, it can take a lifetime also, because हमने यहाँ पे देखा कि आपके genetic adaptation में काफ़ी ज़्यादा time लग जाता है. But there are certain changes of biological adaptations जो आपके lifetime में भी हो सकते हैं, and that you refer to as the functional adaptations, right? जो भी आपके biological changes occur within an individual lifetime is referred to as the functional adaptations. और इन अडेप्टेशंस को होने के लिए देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टन स्ट्रेसर्स. अब ये स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, तो स्ट्रेसर्स बेसिकली नथिंग बट दैट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम कंडीशन. जो आपकी कंडीशन है, स्टेबिलिटी है, फंक्शनिंग है, जो भी चल रही हैं, उनको डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना कोई
स्ट्रेसर चाहिए होता है. सपोज आप बहुत ही शानदार से एनवायरमेंटल कंडीशन में रह रहे हो, बिल्कुल मेडिटेरेनियन वाला क्लाइमेटिक कंडीशन है, लेकिन अचानक से आप बिल्कुल कनाडा के किसी हाई एल्टीट्यूड रीजन पे चले गए. सो अचानक से आपके जो चेंजेस आए हैं दैट विल रिजल्ट इन सर्टन अडेप्टेशन, बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस भी हो सकते हैं वो. और वो किस किस टाइप के बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस होते हैं दैट आर इंडिविजुअल एक्वायर इन द लाइफ टाइम, वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे. तो दैट यू कैन रेफर टू एज द एबायोटिक, जो आपके इन कोल्ड क्लाइमेटिक, हॉट क्लाइमेटिक या एल्टीट्यूड की वजह से हो. और बायोटिक भी कुछ कंडीशंस होते हैं जिनके वजह से कुछ अडेप्टेशंस होते हैं. और ये बायोटिक कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं? डिजीजेज, सोशल वॉर, साइकोलॉजी, और सोशल भी हो सकते हैं, डिजीजेज हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, दैट इज़ दी वॉर और जी साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस, जो जो कुछ बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस करवाते हैं. राइट, इफ़ यू कैन थिंक अबाउट सर्टन बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस ड्यूरिंग द वॉर टाइम और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, देन यू कैन राइट इन योर नोट्स एज वेल. ठीक है, बिकॉज हर चीज़ अगर मैं आपको बता दूँ तो दैट वुड बी लाइक काइंड ऑफ एन स्पून फीडिंग टू यू, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लाइक थिंक ऑल्सो. आप थोड़ा सा सोचेंगे देन यू विल रियलाइज लाइक हाउ ईजियर इट कैन बिकम फॉर यू टू राइट अ गुड आंसर इन द एग्जामिनेशन. राइट, ठीक है, टॉपिक पे वापस से आते हैं. एंड देन अगर जेनेटिक अडेप्टेशन की बात करें, सो जेनेटिक अडेप्टेशन जब आप बोलते हो, सो अल्टीमेटली जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल अडेप्टेशन आर लाइक काइंड ऑफ एन सेम थिंग ओनली. बट जब आप जेनेटिक की बात करते हो तो यू आर टॉकिंग और कंसिडरिंग अबाउट द जेनरेशंस ऑल्सो. ये जेनेटिक अडेप्टेशन अलग अलग पास ऑन होता गया फ्रॉम वन जेनरेशन टू द अनदर, दैट यू कैन रेफर टू एज द जेनेटिक अडेप्टेशन. और सिकल सेल एनीमिया का एक एग्जाम्पल दिया जाता है इन द जेनेटिक अडेप्टेशन. एंड इफ़ यू रिमेंबर, हमने पिछले कई क्लासेस में सिकल सेल एनीमिया, उसकी अडेप्टेबिलिटी, वॉट काइंड ऑफ एन डिजीज इट इज, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं. तो आई विल नॉट रिपीट इट वंस अगेन आउट हियर. ठीक है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है जब आप पिछले आगे के सारे लेक्चर्स अच्छे से देख रहे हो तो आपको आने वाले लेक्चर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. नाउ हियर यू कैन सी, हमने बायोलॉजिकल अडेप्टेशन भी देख लिया है. तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जेनेटिक अडेप्टेशन, कौन कौन से हो सकते हैं. उसके बाद हम एक्लिमेटाइजेशन और डेवलपमेंट एक्लिमेटाइजेशन देखेंगे. ठीक है, सो अगर हम बात करें जेनेटिक अडेप्टेशंस की, तो ये आपके स्किन कलर में, रेस्पिरेटरी फंक्शन में, बॉडी शेप एंड साइज में हो सकती हैं. राइट, तो इफ़ यू रिमेंबर, हमने लेक्चर के शुरुआत में ही बात करी थी दैट दिस बायोकल्चरल अडेप्टेशन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एन प्रीकर्सर फॉर द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द सिलेबस 9.7, जिसके अंदर आपको मैन के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के बारे में पढ़ना है related to the hot, cold and the high altitude, right? इनके अंदर जो भी आपके adaptations होंगे, physiological changes होंगे, हमें उनके बारे में पढ़ना है. और इस particular section के अंदर हम बस ये समझने वाले हैं कि adaptation होता क्या है, genetic और non-genetic factors क्या क्या है. तो इसीलिए मैं आपको skin color, respiratory में क्या क्या changes आते हैं और कौन से आते हैं, ये जब हम नेक्स्ट वाला पोर्शन करेंगे उसी में पढ़ेंगे. बट अभी के लिए जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बॉडी शेप एंड साइज की बात करें तो इनमें किन टाइप का जेनेटिक अडेप्टेशन होता है दैट कैन हेल्प द मेन टू कोप अप विद सर्टेन काइंड ऑफ एन एनवायरमेंटल कंडीशंस. सो इसके अंदर आप देखें कि अगर बॉडी किसी ऑर्गेनिज्म की कॉम्पैक्ट होती है, दे टेंड टू कंजर्व हीट ड्यू टू द हाई मास सरफेस एरिया रेशियो. अब इसके अंदर भी ना दो रूल्स है, एक एलन रूल कहते हैं और एक आई एम फॉरगेटिंग नेम. तो ये जो भी आपके रूल्स हैं, हम ये रूल्स भी आगे चल के पढ़ेंगे, तो इसलिए डोंट गेट कन्फ्यूज विद एनी अदर थिंग्स. ठीक है, बस अभी हमें ये जानना है कि बॉडी शेप एंड साइज कैसे हेल्प कर सकती हैं किसी को अडेप्ट करने के लिए. तो जब बॉडी कॉम्पैक्ट होती है तो आपका हाई मास इज टू सर्फेस एरिया रेशियो होता है, एंड वेन दी ऑर्गेनिज्म इज मोर लीनियर दे टेंड टू लूज मोर हीट ड्यू टू दी लो मास सर्फेस रेशियो. एंड दिस इज बीन अप्लाइड टू द ह्यूमन एंड टू द एनिमल्स एज वेल. अगर आप एनिमल को ही एज्यूम करके देखें कि वॉट काइंड ऑफ एन एनिमल दैट यू फाइंड एट द पोलर रीजन एंड वॉट काइंड ऑफ एन एनिमल दैट यू फाइंड एट नियर द इक्वेटोरियल रीजन और द ट्रॉपिकल रीजन, द आंसर विल बी वेरी क्लियर टू यू. एंड द आइडिया इज दैट द पॉपुलेशन टुवर्ड्स द पोल टेंड टू बी शॉर्टर एंड दी हैव शॉर्टर लिम्स देन द पीपल डू हैव एट द इक्वेटर बिकॉज ऑफ दिस बॉडी मास एंड द सर्फेस एरिया का रेशियो. और मैंने बताया जब हम वो रूल पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में जान लेंगे. बट अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ह्यूमन जेनेटिक अडेप्टेशंस इन इन फैक्टर्स पे हो सकती हैं. नाउ लेट्स सी कि एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है और डेवलपमेंटल एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है. और ये वाला जो एग्जांपल है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ द पीपल इन द कनाडा आर सम काइंड ऑफ एन शॉर्टर हाइट, वहीं आपको मसाई पीपल जो केनिया के हैं उनकी हाइट काफ़ी आपको टॉलर देखने को मिलेगी. अब एक्लिमेटाइजेशन की बात करें तो एक्लिमेटाइजेशन और अडेप्टेशन में अगेन इसके अंदर भी बहुत थिन लाइंस ही हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है हम ये एट दी एंड देख लेंगे. बट अगर आप एक्लिमेटाइजेशन की बात करें तो अगेन दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन रिस्पॉन्स टू द चेंज्ड एनवायरमेंट.
इन्वायरमेंट बोल लीजिए, आप कंडीशंस बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं. और ये जो भी एक्लिमेटाइजेशन होता है, इट इज़ अ टेम्पररी चेंजेस, एंड व्हेन द स्पीसीज रिवर्ट टू द ओरिजिनल एन्वायरमेंट द चेंजेस वैनिशेस. यानी कि अगर कोई भी चेंजेस आपके बॉडी में आता है एंड लाइक इफ़ यू गो बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन, वापस से आप वैसे ही हो जाएंगे. ठीक है, जो भी आपने चेंजेस एक्वायर किए होंगे, इट विल लॉस्ट इज फॉर्म. इसके एग्जाम्पल्स अगर आपको समझने हो तो देर कैन बी लाइक वेरियस एग्जाम्पल दैट यू कैन थिंक अबाउट, बट अभी हम यहाँ पे अगर दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें. एंड बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि ये दो टाइप के भी हो सकते हैं. लाइक वन कैन बी अ लॉन्ग टर्म एक्लिमेटाइजेशन एंड अनदर कैन बी अ शॉर्ट टर्म एक्लिमेटाइजेशन. ठीक है, दोनों टाइप के हो सकते हैं, बट मोस्टली दे विल बी टेम्पररी चेंजेस. दैट मीन्स दे कैन बी रिवर्टेड बैक. ऐसा नहीं है कि वैसे के वैसे ही रह जाएंगे. और जब आप अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो अडेप्टेबिलिटी जनरली वो आपके मोस्टली परमानेंट ही रहती है. ठीक है, अब नाउ लेट्स टेक अबाउट द एग्जाम्पल. अगर हम लॉन्ग टर्म एक्लिमेटाइजेशन की बात करें, तो आपने ज़रूर ये सुना होगा दैट समबडी हु इज डूइंग अ सर्टन काइंड ऑफ एन एक्सरसाइजेज एंड डाइट, पीपल जनरली सेज कि आप इस चीज़ को मेंटेन करना, अदरवाइज यू विल रिवर्ट बैक टू योर ओल्ड शेप एंड साइज. राइट, आपने बहुत सारी डाइट कर ली, आपने कैलोरीज अपनी कम कर ली, वर्कआउट करा, लेकिन आपने अचानक से सारी चीज़ें छोड़ दी. वॉट विल हैपन? इवेंचुअली यू विल बिकम दैट वे ओनली, जैसे आप पहले थे. आपकी वो सारी एक्सरसाइज अमाउंट से वेस्ट चली गई, लेकिन हाँ, जो असर था वो धीरे धीरे दिखना कम हो जाएगा. तो दैट कैन बी वन ऑफ द लॉन्ग टर्म एक्लिमेटाइजेशन. वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म एक्लिमेटाइजेशन की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल आप बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में ले सकते हैं. व्हेन यू स्विच ऑन द एसी, लाइक सपोज इन अ वेरी हॉट एंड वार्म वेदर, आपको बहुत गर्मी लग रही है, अचानक से क्या होता है, एसी ऑन करते हो, देन यू स्टार्टेड फीलिंग ओ माय गॉड इट्स सो गुड. राइट, देन उसके बाद क्या होता है, आपने जैसे एसी बंद करी, वापस से आपने खिड़की दरवाजे खोले, then you will again started feeling that kind of an humidity and hot weather, right? तो ये हुआ आपका short time acclimatization. तो इस तरीके से आप acclimatization को समझ सकते हैं. like this is the same thing जो यहाँ पे कुछ examples mention किए गए. एक और short term acclimatization का है आपका tanning, जो कि आपके summers में आपको ज़्यादा tanning हो सकती है, और winters में जहाँ पे आपकी UV radiations थोड़ी decrease कर जाती है, also it's not like you can say कि completely absent होती है, but हाँ थोड़ी decrease हो जाती है, उस case में आपको tanning कम देखने को मिल सकती है. तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए ऑफ द एक्लिमेटाइजेशन. नाउ व्हाट इज दिस डेवलपमेंटल एक्लिमेटाइजेशन? तो उसके पहले एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप इसको भी देख लीजिए. तो ये स्किन डाइवर डिसेंट इनटू द ओशन, दे एक्सपीरियंस रैपिडली इंक्रीज्ड वाटर प्रेशर विद इन सेकेंड्स, एंड दे कैन सफर फ्रॉम द एक्सक्रूडिएटिंग पेन इन द ईयर ड्यू टू द अनइक्वल प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द ईयर ड्रम. And they must equalize the pressure by blowing hard into their nose. By doing this, they are making a short-term acclimatization to the changed environment. And there is another case, ये तो आपके divers का हो गया. अगर आपने scuba diving ना भी की हो, then you must have traveled in the flight. तो अगर आपने flight में travel किया है, तो आपको पता होगा that how due to the pressure change, जैसे ही flight ascent करती है, then you start feeling some kind of a pressure in your ear. That is again a kind of an acclimatization. थोड़ी देर के बाद वो चीज़ें normal हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही फ्लाइट असेंड करती है, आपको एक बहुत अजीब सा प्रेशर आपके कान में फील होता है. ठीक है, तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. ये स्कूबा, नॉट स्किन डाइवर, इट्स लाइक स्कूबा डाइवर. ठीक है, ये स्कूबा डाइवर का भी आप एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, या फिर फ्लाइट का भी एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज डेवलपमेंटल एक्लिमेटाइजेशन? फॉर डेवलपमेंटल एक्लिमेटाइजेशन टू टेक प्लेस, नाम में ही आपको डेवलपमेंटल दिख रहा है, यानी कि सर्टन एक्लिमेटाइजेशन हैपनिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल फेजेस. यानी कि डेवलपमेंटल फेजेस में जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल फेजेस में जो भी एक्लिमेटाइजेशन होती है, दैट यू कैन रेफर एज द डेवलपमेंटल एक्लिमेटाइजेशन, एंड इट्स ऑल्सो नोन एज द ओंटोलॉजिकल एक्लिमेटाइजेशन. सो इफ यू हैव लाइक फ्रेंड्स फ्रॉम कोल्डर प्लेसेज और रीजन और हायर एल्टीट्यूड रीजन, तो आपको ये तो ज़रूर पता होगा दैट द वे दे कैन हाइक, द वे दे कैन लाइक गो अराउंड द हिल्स, आपको उतनी आपके लंग्स की कैपेसिटी उतनी नहीं होगी जितने आराम से आप वहाँ पे जा पाए. अगर आपने कभी ट्रैकिंग वगैरह की होगी, तो यू मस्ट बी नोइंग कि हाउ द पीपल हु आर नेटिव दैट प्लेस आर बीइंग एबल टू कैरी सम गुड अमाउंट ऑफ वेट ऑन देयर बैक, इवन दो लाइक दे आर वॉकिंग अलोंग विद यू, दे आर वॉकिंग फ्रीली. लाइक उनको आपको उस तरह की सफोकेशन या उस तरह की ब्रेथलेसनेस देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज दे हैव बीन एक्लिमेटाइज टू दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, एंड दैट इज यू रेफर टू एज द डेवलपमेंटल एक्लिमेटाइजेशन.
और दूसरे कुछ अलग अलग, मतलब ये तो आपके जनरल एग्जाम्पल्स हो गए, बट कुछ ऐसे भी डेवलपमेंटल एडजस्टमेंट और एक्लिमेटाइजेशंस होते हैं दैट कैन ऑकर ड्यू टू दी कल्चरल स्ट्रेसर्स, यानी कि कुछ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऐसे डेवलपमेंटल एक्लिमेटाइजेशंस होते हैं. वन इज वॉज ऑफ योर रीशेपिंग स्कल इन दी एंशियंट माया सिविलाइजेशन. अगर ये आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यू कैन वेरी वेल रीड इट आउट. और एक और एग्जाम्पल है ऑफ दी चाइना, आई फाउंड इट टू बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो कि चाइना में एक प्रैक्टिस होती है दैट इज नोन एज द फुट बाइंडिंग. और इस फुट बाइंडिंग में द नॉर्मल फुट लुक्स लाइक दिस, बट आफ्टर द फुट बाइंडिंग इट समथिंग टर्न आउट टू बी लाइक दिस. यू कैन जस्ट इमेजिन लाइक हाउ पेनफुल दिस कुड बी फॉर अ लाइक चाइल्ड टू बियर सच अ काइंड ऑफ एन एक्लिमेटाइजेशन. इसकी वजह से क्या होता है, इनके जो पाँव होते हैं इट डेवलप इन टू अ सर्टन शेप्स, और ये माना जाता है इट्स कंसीडर्ड एज अ मार्क ऑफ ब्यूटी एंड इनेबल गर्ल टू फाइंड अ वेल्दी स्पाउस. सो बेसिकली दिस इज वॉट यू कॉल द कल्चरल स्ट्रेसर दैट इज हेल्पिंग इन द डेवलपमेंटल एक्लिमेटाइजेशन. तो दीज आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन राइट. ठीक है, नाउ अब हम बात कर लेते हैं कल्चरल अडेप्टेशंस की. कल्चरल अडेप्टेशंस के अंदर आपको कल्चरल प्रैक्टिसेस या टेक्नोलॉजीज के हेल्प से जो भी चेंजेस लाइफस्टाइल में देखने को मिलती हैं टू लाइक हैव अ स्टीडी लाइफस्टाइल इन दी सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस, आप उनको कल्चरल अडेप्टेशंस कह सकते हैं. एंड दे कैन ऑकर एट एनी टाइम एंड मे बी एज सिंपल एज पुटिंग ऑन अ कोट व्हेन इट इज कोल्ड एंड एज कॉम्प्लिकेटेड एज इंजीनियरिंग बिल्डिंग एंड इंस्टॉलिंग अ हीटिंग सिस्टम इन अ बिल्डिंग. बिकॉज हमने कल्चरल अडेप्टेशंस के बारे में पहले भी थोड़ा बहुत बात किया हुआ है कि कैसे सर्टन चेंजेस आते हैं, कैसे आपके फूड हैबिट्स में चेंजेस आती हैं, कैसे आपके रहन सहन के तरीके में चेंजेस आते हैं. तो दीज आर ऑल यू एक्वायर ड्यूरिंग द कल्चरल अडेप्टेशंस, और ये जनरेशन टू जनरेशन भी पास ऑन हो सकती है या आप अपने लाइफ टाइम में भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं. देन देर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द फाइटर पायलट यूजिंग द कल्चरल टेक्नोलॉजी टू अडेप्ट टू द हाई एल्टीट्यूड. आप ये देख सकते हैं दीज आर द ऑल इक्विपमेंट्स दैट द फाइटर पायलट्स आर वेयरिंग, राइट, सो दैट दे कैन डेफिनेटली अडेप्ट टू द हाई एल्टीट्यूड. अब इसको आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, ये तो बायोलॉजिकल नहीं है, ये तो तुरंत से इनको अडेप्ट करने में हेल्प करे, दैट इज वाई दे कैन बी कैटेगराइज अंडर द कल्चरल अडेप्टेशंस. और अलग अलग कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो आप कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज़ द हैबिट्स, हैबिटेट, हाउसिंग, क्लोथिंग, डाइट, ये सारी चीज़ें आपके कल्चरल अडेप्टेशंस के अंदर ही आएंगी. और कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने कई बार डिस्कस किए हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप अपने आप से भी इंक्लूड कर सकते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. और इन सारी चीज़ों को जो अभी हमने कवर करा है वी विल यूटिलाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन और द फिजियोलॉजिकल जो भी आपके चेंजेस आते हैं ड्यू टू सर्टेन लाइक स्पेसिफिक कंडीशंस, राइट. और यहाँ पे आप अडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन के बीच में जो डिफरेंसेज हैं उनको देख सकते हैं एंड यू कैन वेरी वेल राइट इट डाउन. और अगर एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, दिस कैन बी लाइक वन ऑफ द क्वेश्चन दैट कैन कम, राइट. सो इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश होता है एंड थैंक यू सो मच.